बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां गहलोत की कैबिनेट बैठक के समय में बदलाव हुआ है। आज दोपहर अब 2 बजे बैठक का आयोजन होगा, फिर 3 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में उनके आवास पर यह बैठक होनी है। पहले इसका समय अलग था, लेकिन अब इस कैबिनेट बैठक का जो समय है बदलकर 2 बजे कर दिया गया है। उसके बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी जो 3 बजे होगी। दोनों अहम बैठकें हैं आगामी चुनावों के मद्देनजर रणनीति को लेकर के। उसके अलावा कई बातों पर मोहर लग सकती है, और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी दिनेश डांगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, समय में बदलाव हुआ है और कैबिनेट की बैठक कई दिनों से पेंडिंग चल रही है और फिर इसके समय में बदलाव हुआ है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, पहले दोपहर 12 बजे ये बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंबई दौरे पर है और अभी भी मुंबई है। संभवतः उनके आने में थोड़ी देरी हुई थी, जिसके चलते ये बैठक का समय बदल दिया गया है और अब बैठक दोपहर 2 बजे होगी और उसके बाद 3 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। और अब आचार संहिता 7 अक्टूबर को लग सकती है, तो ऐसे में सभी की इस कैबिनेट पर नजरें और निगाहें टिकी हुई है। क्या बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जरिए दे सकते हैं, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। जी दिनेश, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर मुहर लग सकती है, या कौन से ऐसी मुख्य बिंदु है जिन पर चर्चा हो सकती है कैबिनेट की बैठक में? पहले देखिए, अभी मंत्रियों को जो एजेंडा है, जो बिंदु है, वो भेजे नहीं गए और संभवतः थोड़ी देर बाद मेल के जरिए उनको एजेंडे भेजे जाएंगे, तभी हम बता पाएंगे कि किन किन एजेंडों पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। लेकिन बताया जा रहा है कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी सौगात उनको मिल सकती है। सीएम गहलोत उनके प्रमोशन का तोहफा जो 9/18/27 का है वो दे सकते हैं। जी दिनेश, तो आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे दोबारा अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी, जिन्होंने बताया कि फिलहाल एजेंडा घोषित नहीं किया गया है।